पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जिनका तल्ल कराची से है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक एंकर पर्सन और उससे पहले जब मशहूर हुए थे आलिम ऑनलाइन का एक प्रोग्राम करते थे बहुत फेमस पर्सनैलिटी है और वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं शदीद शद शदीद, शदीद, शदीद बीमार है और उनकी हालत ख़राब है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल है उनकी अहलिया का कहना है कि मैं उनको इस तरह की हालत में नहीं देख सकती उनका सीना शदीद और बुरी तरह मुतासर हुआ है इसके अलावा आमिर लियाकत ने अपना बयान दिया है कि मैं कोरोना से लड़ नहीं रहा बल्कि पनाह मांग रहा हूँ सिंध के वज़ी अला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम तरीन रहनुमा हैं मुराद अली शाह उनको भी कोरोना हो चुका है कुछ रोज़ पहले जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी और कालम नगार प्रोग्राम था जियो पार्लियामेंट उसके मेज़बान भी है अहमद अरशद अरशद वहीद चौधरी उनका भी इंतकाल हो गया और इसी तरह पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस वकार सेठ जिन्होंने मुशरफ़ को गद्दार करार दिया था एक फ़ैसला दिया था पाकिस्तान का तारीख़ी तरीन फैसला था कुछ फ़ैसले के हक में थे कुछ फ़ैसले के मुखालफत में थे तो वकार सेठ साहब भी इससे इंतकाल कर गए वजीर अजम ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है जो कि बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही है लोगों को इटली के अंदर इस वक्त सूरत हाल बदतरीन होने जा रही है पहले तो ये सूरत हाल थी कि एक मोहल्ले में अगर 300 लोग हैं वहाँ पर 70 लोग जो है कोरोना से मुतासर हुए और दस लोगों की डेथ होती थी अब 170 सौ मुतासर और 70 लोगों की डेथ होगी कुछ इस तरह के सिम्टम्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल दुनिया ने इसके ऊपर अपनी राय देना शुरू कर दी है वजीर अजम ने भी कल बात की कि हम जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा रहे हैं और इसी तरह रशकई पर सीपेक का एक प्रोजेक्ट है उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी वहां पर भी वजीर अजम ने कहा कि अब जलसा नहीं होगा बस सादा तरीके से हम जाएंगे और वहाँ पर सैरमनी के एनग्रेशन जो भी तकरीबा है वो करके आ जाएंगे अब बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों की पाकिस्तान के सबक़ वज़ी अजम शाहिद खाकान अब्बासी कल इतने बड़े मिचोर बंदे हैं और इस वक्त नून लीग के इनकलाबी बने हुए हैं बुज़ुर्ग शख्सियत है यार हालाँकि वो इलेक्शन में हार गए थे मरीज है बहुत फेमस है बहुत मशहूर है लोग उनसे दिल जान से मुहब्बत करते लेकिन अपने इलाक़े से वो हार गए थे फिर ख्याल दर से हमदा शहबाज़ वाली एक सीट थी वन को दी गई लाहौर से जितवाया गया ज़बरदस्ती इसम्बली में लाया गया तो वो भी ख्याल सीट एडजस्टमेंट वाली सीट थी उन्होंने कल बयान दिया एक मीडिया चैनल पर कि भाई ये कोरोना शरोना से कुछ नहीं होता ये कोरोना जलसों से जनाब कोरोना नहीं होता कितने तो कोई अफसोस और दुख की बात है आज मरियम नवाज़ साहिबा पहुंची हुई है हज़ारा में गिलगत बल्चिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर जलसे जुलूस रैलियाँ कर रहे हैं ऐतजाज कर रहे हैं हमारा इलेक्शन चोरी हो गया अवाम की कोई परवाह नहीं और गिलगत बलचिस्तान में बहुत बुरी तरह कोरोना अपना सर उठा रहा है बहुत नुकसान होने वाला है जिसका गिलगत बल्चिस्तान के लोगों को भी इलम नहीं है और वहाँ पर सेहत की सहूलियत इस वक्त कहाँ है आप अंदाज़ा लगा लाहौर के मुदाफत में देख लें कितने कोई हॉस्पिटल जो है डेवलप्ड हैं कुछ दर्जनपुर में किसी को कुछ होता है एनो लाहौर ले जाओ ऐसे ही है ना तो आप अंदाज़ा लगाए कि उस वक्त गिरगत बल्चिस्तान में सेहत के क्या इंतज़ाम होंगे मरीम नवाज़ आज हज़ारा में मानसेरा में वहाँ पर जलसा करने गई हुई है बड़े फ़खर से जलसा कर रही है हकूमत के ख़िलाफ़ बयान देंगे हज़ारों लोग वहाँ पर जमा हैं। खुदा खादा केसेज़ होते हैं फिर आप लोगों ने आखिर आपके पास बचता ही इमरान ख़ान है यही जियो न्यूज़ यही तमाम एंकर्स यही अपोज़िशन थी यही मरियम नवाज़ थे जो इमरान खान का मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसा जाहिल इंसान है पूरी दुनिया ने लॉकडाउन कर दिया कर्फ्यू लगा दिया और इस वक्त वज़़र अजम इमरान ख़ान सोच रहे और इमरान ख़ान बार बार बात कर रहे थे मेरे मुल्क के लोग गरीब है इनकी मीशत ख़राब है ये बेचारे कमज़ोर लोग हैं इनको टाइम चाहिए इनको मैं स्मार्ट लॉकडाउन लगा के दूँगा ताकि इनका कारोबार चलता रहे फिर बारह हज़ार रुपया जो गरीबों में बांटा गया हर चीज पर वो एतराज करते कि कर, नहीं मुल्क बंद कर दो मुल्क बंद जब अब वो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि प्लीज थोड़ा ख्याल रखे जलसे जुलूस कम अज कम आप लोग बंद कर दे तो नहीं ये करे कोरोना तो होता ही नहीं जलसों से तो किससे होता है बड़े बड़े साइंसदान आगे बेचारे खप गए मर गए वो एक एक ही बात कर रहे हैं कि जहाँ पे रश होगा वहाँ से फैलने का खदशा ज्यादा होगा उसकी वजह यह कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ही आसानी के साथ मुंतकिल होता है अब आमिल लियात के हवाले से बातें चल रही कि जनाब मर गया तो ये ठीक है ज़िंदा है लेकिन हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान में जब तक हाई प्रोफाइल लोग किसी वजह से किसी बीमारी से मुतासर नहीं होते तब तक हम लोगों को यकीन नहीं आता क्योंकि तब तक हम लोगों के लिए ये सियासतदानों की हकूमत की नहीं तो फिर हम यह नसारा हमारे लिए बचे हुए हम उनकी साजिश कभी भी करार दे सकते हैं तो यहूद नसारा की साजिश नहीं है एक बीमारी है एक वबा है अल्लाह की तरफ से है अल्लाह इसको इन इसको वापस ले ही जाएगा लेकिन अब ये दूसरी लहर इसकी आ चुकी है सर्दियों में इसके असर ज़्यादा है आपको पता ही होगा हमारे साइंसदानों ने क्या कहा था पाकिस्तान के जो यूट्यूब के साइंसदान हैं कि जनाब गर्मी में तेज़ गर्मी में जो है 35 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर पर ये वायरस इंतकाल फरमा जाते हैं मर जाते हैं ये वायरस जनाब जो है तो भाई तब क्या हुआ था जून जुलाई अगस्त में तुम लोगों के साथ क्या कुछ हुआ कितने लोग मरे अस्पतालों में जगह नहीं थी डॉक्टर बेचारे शहीद हुए सत्तर डॉक्टर कोरोना वायरस के शिकार हुए मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ दुनिया की इकॉनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ ट्रम्प जैसा बंदा वहां पर इलेक्शन हार गया और वो भी वजह इसी को बता रहा है कि कोरोना ने हमारी जना मत खराब की इस वजह से मैं इलेक्शन हार गया बड़ी बड़ी जो ताकतें थी टाइकोन्स से वो गिर गए बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने लोग निकाल दिए दुबई सऊदी अरब से बहुत सारे पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया जो यूरोप में थे वो वहीं पर रहे और एक कमरे में रहे हुकूमत उनको जो पाँच छः डॉलर दे रही थी पाँच छः पाउंड या यूरो दे रहे थे जो खाना खुराक दे रहे थे उसी पर वो लोग गुजारा कर रहे थे हम लोगों की बीमारी क्या है हम लोगों को यकीन ही तब आएगा जब खुदा ना खादा किसी बड़े हाई प्रोफाइल बंदे को होता है वो इससे फौत होता है तो थोड़ा सा अपने अकल और दिमाग से काम ले लें थोड़ा सा फासला रखे और थोड़ा सा अपने आप को महफूज रखे कुछ नहीं कर सकते तो मास्क पहन ले और हाथ धो लिया करें जहाँ पर पानी मिलता है हकूमत की जानब से अब टैंक्स लगाए जा रहे हैं पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ सिंध में भी इन तरह के इंतजाम होंगे बाकी बच्चे खुश हैं कि जनाब स्कूल्स बंद हो जाएंगे स्कूल्स बंद होंगे तो सिर्फ तुम्हारी तुम्हारी जान की हफाजत के लिए होंगे कि तुम पाकिस्तान का मुस्तबिल हो और पाकिस्तान के मुस्तबिल को क्या सिखाया जा रहा है कि करोना वायरस जिनाब हुकूमत की साजिश है सिर्फ बाहिर से इमदाद लेनी है करोना वायरस यहूद नसारा की साजिश है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ़ मुसलमानों को कमज़ोर किया है कितने मुसलमान मरे हैं इस वायरस से इस बीमारी से आपको पता है मेरे ख्याल से यहूद नसारा के ईसाइयों के मुकाबले में हिंदुओं के मुकाबले में तीन परसेंट भी मुसलमान नहीं होंगे हिंदुस्तान में क्या हालात हुए एक एक हज़ार बंदा दिन में मरा है हाँ उनका मीडिया उनके कंट्रोल में उनकी हुकूमत के वो उनको बात नहीं लीक करने देता इसलिए उनको डंडा दिया गया वो खामोश रहे उन्होंने अपनी जो चोरी है छुपाई क्योंकि हिंदुस्तान के इंतज़ाम बहुत बदतर थे इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया हुआ है क्योंकि उनकी तवज्जो सिर्फ एक चीज पर मंदिर बना दो मस्जिद गिरा दो और कुछ नहीं आता है हिंदुस्तान को तो हा भाई हमने हिंदुस्तान नहीं बनना हमने जाहिल नहीं बनना हमने अनपढ़ नहीं बनना हमने अपनी हिफाजत करनी है अपने मुल्क की हिफाजत करनी है अपनी इकॉनमी को बचाना है तो हुकूमत जो आपको हिदायत दे रही है एनसीओ सी आपको जो हिदायत दे रही है वहां पर बहुत काबिल लोग बैठे हुए जो हर एंगल से इस मामले को देखते हैं तो बजाय इसके कि वो मर गया वो मर गया वो ज़िंदा हो गया इसको छोड़े जिसने जाना है वो चला जाएगा जिसने रहना है अल्लाह उसको जिंदो जो बीमार है अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे अपनी हिफाजत करे और ये तब ही मुमकिन है जब आप जहनी तौर पर ये चीज़ मानने को तैयार हो जाएंगे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर शदीद तरीन होगी और इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है इसके लिए आप लोगों ने तैयार होना है और नुकसान से कैसे बचा जा सकता है सफाई मास्क हाथ धोने फासला रखना है रश में नहीं जाना बिला वजा नहीं जाना और सफाई वैसे भी नफ़ ईमान है बरए मेहरबानी यहूद नसारा को छोड़कर अपने नबी के अहकाम पर अमल कर लें तमाम अहकाम पर अमल करना आपके लिए मुश्किल है एक हुक्म है सफ़ाई नसफ ईमान है वबा है सफाई करें एहतियात करें मास्क पहने हाथ धोए बस यही मेरा आज का पैगाम था दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे पाकिस्तान पाइंदाबाद